ठीक चल रहा है ना। बहुत ही सत्कार योग हाँ पत्रकार साहबान, अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगल कमेटी वालों रखी गई सी। मैनू लगता है कि कित ना कि कोई कम्यूनीकेशन गैप जरूर है, क्योंकि कुछ पत्रकार साथी लगता है जो आने का वेन है, पर असी लेट भी हो रहे हैं। 8 बजे का टाइम से तो असं इस शुरू कर लगे हैं थोड़ी परमिशन के नाल। जिस तरह के थोनों पता है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और उस दे अंदर 26 तरीक नूं जो घटनाक्रम वापरिया उस नूं बड़ी गहराई नाल देखा गया, उसकी पड़चोल की गई। सरकार की जो बहुत डूंगी साजिश सी जिस दे अधीन किसान परेड जो सैंक्शनड रूट सी उस राही उसनूं ना जाण दिता गया और एक बड़ी कॉन्सपीरेसी तहत दूजे पासे जिहड़ा लाल किले वालों रूट सी उन्हों खोल दिता गया। इस नाल बहुत वड्डा नुकसान भी होया, मोर्चे नूं भी होया टैंपरेरी, और इस नाल जिहड़े बेदोशे किसान सन नौजवान सन उन्हां नूं पुलिस नूं उन्हां दे उपर झूठे परचे दर्ज करन दा मौका भी मिलिया। सो इह गल नूं कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग विचारिया गया और इस दी पैरवाई करन दे लई जिहड़े नौजवान किसान जिन्हां ते परचे दर्ज होए जां जिन्हां दा अजे कोई ट्रेस नहीं होए वो मिसिंग ने, उन्हां दी जानकारी हासिल करन लई उन्हां दी पैरवाई करन दे लई, क्योंकि उन्हां दे माँ बाप जो पिछे बैठे ने वो बड़े परेशान सन। सानू सारे नू उन्हां नाल बड़ी हमदर्दी है जिन्हां दे इस तरह बेदोशे नौजवानों ते पुलिस ने धक्का भी किया और परचे दर्ज किए। सो इस दी पैरवाई करन करन लई संयुक्त किसान मोर्चा वालों एक लीगल टीम का कल गठन किया गया। तो वो लीगल टीम के मैंबर मैं प्रेम सिंह भंगू जिहड़ा इस टीम का कन्वीनर बनाया गया, मैनू मेरे खब्बे पासों बीबी रविंदर कौर सर, कमलजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, रजिंदर सिंह, दीप सिंह वाला, हरपाल सिंह, विकास ईश्वर, ये लीगल टीम दे असीं मैंबर हाँ जो अज असीं इस मसले नूं टेक करन दे लई दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उन्हां दे नाल उन्हां दे होम मिनिस्टर मिस्टर सतिंदर जैन ते जो जल संचार मंत्री ने राघव चड्ढा जी ते उन्हां दे नाल डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला, असीं उन्हां नूं साडा लीगल टीम दा वफद मिलिया। और जो कुछ दिल्ली दे विच होया बड़ी डूंगी साजिश अधीन, जिस तरह थानू पता है कि एक खास तरह का फिरकू नफरत फैलाउण दे लई एक खास तरह की फिरकू डिवाइड पैदा करन दे लई इस मोर्चे नूं सट मारन लई जो किया गया उस बारे असीं अपना कंसर्न है जो चीफ मिनिस्टर कोल रखिया और ये मंग की कि एड्डी वड्डी साजिश का पर्दा फाश करन दे लई और जो बेदोशे लोग ने उन्हां दे खिलाफ झूठे परचे दर्ज होए, बहुत लोग जेलां दे विच ने, बहुत लोग अजे जिहड़े ट्रेस नहीं होए, हो सकदा गैर कानूनी हिरासत दे विच होण है भी ने, असीं उह सारियां गल्लां उन्हां कोल रखियां ने ते इह मंग कीती है कि इस दा टोटल पर्दा फाश करन दे लई एक जिहड़ी जुडिशियल इनक्वायरी जुडिशियल प्रोब है जिहड़ी उह ऑर्डर कीती जाए तां कि हर चीज़ है जिहड़ी बिल्कुल नंगी हो जाए। तो ये उन्होंने ये गलबात हुई तो एक रिप्रेजेंटेशन जो लिखती लीगल टीम वालों वो भी उन्होंने दिता गया ता कि सारा जो वाकयात है ये लोगों सामने आए। जिहड़े लोग अज भी जिहड़ा पुलिस प्रशासन है थोनू सारे पता है भी वह परेशान कर रहा है, इत्थे इंटरनेट सेवावां नहीं है, बिजली पानी का सवाल और थां थां बैरीकेड लगा के लोगों नूं आण जाण लई भी दिक्कतां खड़ियां कीतियां जा रही ने। साढ़े नोटिस दे विच ये भी है कि पत्रकार भरावां नूं भी उन्हां दे आउण ते भी भारी पाबंदियां ने, उन्हां नूं कार्ड दिखाओ होर करो, काफ़ी परेशानी पुलिस कर रही है हर पासे
ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 115 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 115 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 163 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 115 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਟਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿ ਮੰਡਲ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੇ ਅੱਜ ਮਿਲਾ ਔਰ ਹਮ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ, ਪੁਨਃ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਸੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਪਨ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਉਠਾਏ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਨਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ ਵਿਚ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਹਿਜ ਓਵਨ ਪਰਵੀਵ, ਉਨਕੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਬੇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਲ ਕਰੇਂਗੇ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ
उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उनके बारे में भी वो अलग अलग से कम्युनिकेशन लिख के और एलजी के माध्यम से गृह मंत्रालय को और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। तो हम समझते हैं कि इस सिलसिले में जो भी हमें उनसे अपेक्षा थी वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और हमारी जो पूरी की पूरी ये लीगल हेल्प के लिए जो टीम बनी हुई है, संयोजक साहब ने आज पूरा स्क्रीनिंग भी करके और पूरा रिकॉर्ड उनके पास है और हम पूरे तमाम प्रदेशों के जो भी गिरफ्तार या मिसिंग लोग हैं उनके सार्वजनिक सूचना करने के लिए भी नंबर वगैरह सारे जारी किए हुए हैं और हम आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये जरूर अपील करेंगे कि जिन जिन के पास कोई भी सूचना या जिनका कोई भी नियर एंड डियर जो है उसकी जानकारी उससे संबंधित लेनी हो तो वो जरूर इन फोनों के माध्यम से जो जारी किए गए हैं वो उन तक जरूर उनके माध्यम से इस कमेटी से जुड़कर वो सूचनाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हरपाल सिंह जी। साथियों नमस्कार। साथियों अभी 4-5 दिन पहले आपके माध्यम से एक नंबर जारी किया था सरदार गुरनाम जी सडूनी ने, 93-15-84-85-86 सभी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, वो देख रहे थे ये नंबर गुरनाम जी ने सही दिया या गलत। आज मैं वो मेरा ही नंबर है और मेरे पे काफ़ी कॉल आ रहे हैं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ उन सबको जो मिस हुए हैं हमारे साथी, तो आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा वो नंबर बिल्कुल सही है और वो मेरा है। तो साथियों एक तो जो हमारे मिस हैं वो 28-29% हमारे मिस हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, वो वैसे टैली कर लेंगे हम सभी मिलकर सुबह तक, तो वो जानकारी सब तक हो जाएगी। और अभी हमने और नंबर भी 5-6 जारी किए हैं जो मेरे साथी अभी आपको वो नंबर भी आपके माध्यम से जारी कर देंगे। मैं सभी परिवारों से एक तो आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आज जेल में हमारे साथी हैं वो सभी परिवारों से कहना चाहता हूँ कि वो संयुक्त किसान मोर्चे के परिवार का हिस्सा हैं, वो हमारे ही परिवार से हैं। और आप सभी कोई भी परिवार चिंता ना करें, हम सभी जैसे हमारे सीनियर साहबान ने जानकारी दे दी है कि हम उनके बहुत सीनियर वकीलों का पैनल भी तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और आप सबका धन्यवाद। साथियों नमस्कार। देखिए एक तो जो हमारे पास नंबरिंग थी 122 की लिस्ट थी और जो दिल्ली सरकार ने 115 की लिस्ट दी है, ये बड़े भ्रम करने वाली स्थिति है। वो जो हमारे साथियों का अभी तक मैच ना करना, ये भी भ्रम करने वाली स्थिति है कि जो 122 की लिस्ट में भी नहीं है, 115 की लिस्ट में भी नहीं है। पूरी जानकारी तो हम एक बार टैली करके देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पसंदचिन्ह लगाता है केंद्र सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि हमारे साथी जेल में भी नहीं है, हमारे साथी घर के ऊपर भी नहीं है, हमारे साथी किसी लिस्ट के अंदर भी नहीं है कुछ साथी। तो ये बहुत बड़ा पसंदचिन्ह है सरकार के ऊपर। और जो हमारे साथी जो संयुक्त मोर्चे के द्वारा दिए गए रूट से गिरफ्तार किए गए साथी, ज्यादातर इनमें जो रूट परमिशन जो सरकार ने दी थी उस परमिशन के रूट के ऊपर से, टिकरी धरने के ऊपर से जो है नजफगढ़ से कुछ साथी गिरफ्तार किए गए हैं, टिकरी धरने के ऊपर से गिरफ्तार किए गए हैं, नांगलोई से गिरफ्तार किए गए हैं, जो बिल्कुल नाजायज तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं। ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और कुछ किसानों को, हमारे किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती हमारा रास्ता डाइवर्ट करके हमारे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ के हमारे जो रास्ते जो प्रॉपर दिए गए थे उनको बैरिकेड करके कुछ अनजान किसानों को अंदर घुसाने का काम किया, ये जो कि बिल्कुल इलीगल है और जो हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जो भी किसान साथी जिसके ऊपर भी झूठे केस मुकदमे बने हैं, जिस किसान साथी का ट्रैक्टर 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर हमारे गुम है और जो
जिनकी कुछ ट्रैक्टरों की हवा निकाल करके जबरदस्ती जाम लगाए गए इस प्रशासन के द्वारा, और जब वो ट्रैक्टर लेने के लिए गए उनको भी गिरफ्तार किया गया, कुछ साथी रेल से उतरे उनको भी गिरफ्तार किया गया, और कुछ गिरफ्तारियां आज ही हरियाणा के अंदर आज भी मुझे पता चला है कि कुछ गिरफ्तारियां हरियाणा के अंदर आज भी हुई हैं। तो ये जो सरकार की तानाशाही है ये बिल्कुल नाजायज है, असावधानिक है और किसानों के साथ अन्याय है, जो कि देश के नागरिक हैं, किसान किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है। ये तो मैं कहूँगा कि अंग्रेजी सरकार में भी एक बात होती थी कि अंग्रेजी सरकार में न्याय और भाव होता था, लेकिन इस सरकार ने तो न्याय भाव भी नहीं छोड़ा। हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं, जब तक उनके मुकदमे वापस नहीं हो जाते, जब तक उनके ट्रैक्टर की एक एक चीज बरामद नहीं हो जाती, तब तक हम किसानों के साथ खड़े हैं। और ये आंदोलन किसानों के लिए आंदोलन है, इसमें बिल्कुल किसी भी किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नंबर मैं आपको आपके माध्यम से देना चाहूँगा जिनसे संपर्क आप कर सकते हैं, जो भी साथी इसको सुने। एक नंबर तो भाई साहब ने बता दिया है, एक नंबर है 99-142-31-100। दूसरा नंबर है 98-140-047-29। तीसरा नंबर है 94-164-95-827। अगला नंबर है 98-133-64-100-64-100। अगला नंबर है 81-980-22-033। जो भी किसान भाई इन नंबरों को सुने, अपने आस पड़ोस से किसी भी किसान का ट्रैक्टर गुम है, किसी का बच्चा कोई बुजुर्ग गुम है, आस पड़ोस से जानकारियां ले, इसकी इन किसी भी नंबर के माध्यम से, चाहे वो साथी हरियाणा का सुनता हो, चाहे वो पंजाब का साथी सुनता हो, हरियाणा वाला पंजाब के साथी को भी बता सकता है, पंजाब वाला हरियाणा के साथी को भी बता सकता है। ये सूचनाएं जरूर दें ताकि ये जो लीगल कमेटी है उनके बचाव के प्रयास कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी च पहला दस चुके ना, इंग्लिश भी दस देवे। नहीं नहीं नंबर बोल रहे हैं वो इंग्लिश। अच्छा अच्छा मैं नंबर बोल रहा हूं। कोई नहीं नंबर पंजाबी दसने वास्ते क्या ना। हां नंबर के अच्छा। बोल रहे नहीं, पहले तो हमें एक आपको चीज बता दें इसमें जो रह गई थी, क्योंकि देखो जो 115 की लिस्ट है, पहले तो बहुत इसमें आता रहा कि 122 है, 163 है, 64 है, बहुत कंफ्यूजन था कि कितने लोग कस्टडी में हैं। पर आज ऑफिशियली फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री ये हमको मिली है कि 115 लोग हैं। उनके ऊपर क्या धाराएं हैं, वो क्या है, सारा इसमें डिटेल है। और दूसरा ये भी आपको पता कि जब इन लोगों को पकड़ा गया तो बहुत लोगों की मारपीट भी हुई, टॉर्चर भी हुआ, इंजरीज भी आई, पर अभी तक किसी का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। आज हमने ये मांग उठाई है कि सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बने। और क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर है दिल्ली की, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि हम ये करवाएंगे तुरंत, इसका जिस जिसको इंजरी से है उनके पेरेंट्स मिलेंगे, लिस्ट प्रोवाइड करो, मेडिकल बोर्ड बन के उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये हमने इसके लिए किया है एक। और दूसरा जैसे बताया, उनके पेरेंट्स को पहले बहुत दिक्कतें आ रही थी कि वो कैसे मिलेंगे, किसी का पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम सब हेल्प करेंगे उनके पेरेंट्स को, उनका कोई नियर एंड डियर जो भी है, उनका कोई एडवोकेट हो जो पैरवाई करते हैं कोर्ट में, उनको मिलने के लिए बिल्कुल वहाँ हालात हैं जो ऐसे होंगे, किसी को कोई रुकावट नहीं होगी और नहीं होगी, उनको हर फैसिलिटी जैसे राजिंदर सिंह ने बुलाया प्रोवाइड भी की जाएगी। और बाकी जितने मिसिंग लोग हैं, 29 अभी मिसिंग है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, वैसे तो किसान एकता मोर्चा की जो वेबसाइट है उस पर से आज भी हमने बोला है, नंबर दे के यही नंबर उस पर पाए हैं कि किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमारे को भेजो, एकता मोर्चा उसको भेजो, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
तो उनको भी हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि जब भी हमारे पास आएगी ना उसके बाद ही हम लीगल कार्रवाई कर पाएंगे। जितनी हमारे पास थी, ये लीगल कस्टडी में है, इनका लीगल कोर्स देखें क्या है, बेल का क्या है, वो मिल करके कल इसकी कार्रवाई फर्दर हम करेंगे। और जो अभी अनट्रेस है या मिसिंग है उनकी लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी 29, ये बहुत कम है, और भी सारे लोग हैं, उनकी आने दीजिए, जैसे आएगी उसका करेंगे। तो ये नंबर्स हैं जो आप कह रहे हैं इंग्लिश में बता दिए, तो इंग्लिश में राजेंद्र सिंह आपको बता देंगे, और आप जो जानकारी हमारे से को लेना चाहें क्वेश्चन वगैरह वो भी हम आपको आंसर करेंगे। देखो ये नहीं इशू गा, किसी भी रूट थाई गए वो सारे साडे आ, हर वह बंदा भावे जेडे मर्जी रूट राही रहा गया वह जेल दे विच आ, गुम आ, उहदी पैरवाई करना संयुक्त किसान मोर्चे की जिम्मेवारी आ, और वह जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जिहड़ी इन्होंने कहा कि 29 असी लिस्ट दित्ती अज्ज 29 लोग जेडे मिस आ, ते सानू जिहड़ी ये लिस्ट मिली 115 की, असी टैली करांगे भी वह 29 लोग इहदे 115 की लिस्ट च जे तां हैगे आ, फिर तो हुण तक की जानकारी मुताबक जिहड़े वह मिसिंग नहीं है। जे वह लिस्ट के नहीं है तो यदा मतलब हैगे आ कि वह मिसिंग हैगे आ, इन्ने बंदे अजे गुम ने, ते ए हजे अज तक शाम तक की लिस्ट सी जो असी दिल्ली सरकार नूं दित्ती आ। तो यह जिहड़े नंबर जारी किए विकास जी ने दसे हैगे आ, तो उन्हां नंबरां दे उपर जिहड़ियां होर फोन कॉल्स आउणगियां, तो वह इस तरह एक असी बेंच उत्थे बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चे वालों अपनी स्टेज के पिछे सिंघू, तो वह सारी जानकारी जिहड़ी असी हैगी आ उह इकट्ठी कर रहे हैं। नंबर मैं ये पंजाबी दे विच बोल दिंदा हैगा, 93-148-95-86-99-140-0-47-29-94-94-95-98-97-93-64-94-63-64-100 पूरा 81-980-22-033 बस ठीक है। हाँ ठीक है। इस तो अलावा इंग्लिश में तो कोई लोड नहीं है अब, बस ठीक है। इस तो अलावा ये भी ऐसी कह के जेडे ट्रैक्टर ते होर व्हीकल, क्योंकि कोई नौजवान मोटरसाइकिल ते गया या गड्डी ते गया, कि जिन्ने ट्रैक्टर या होर व्हीकल लोगों के गुम होए भी ने, वह भी तुसी सानू जेडे हैगे आ ओह जेडे उनके असल मालक आ उन्हां नू मिलने चाहिए ने। तो ये उन्होंने कहा कि 11-12 जेडे आ पुलिस स्टेशन ने दिल्ली दे विच के ओ भी टीम बना के जिहड़े थानू आ देखने पैणगे, तो उहदी भी असीं जिहड़ा हैगा टीम बना के वह देखांगे भी किहड़े किहड़े व्हीकल साडे किसानां दे किन्ने उहनां दे कोले नहीं गए, ते ओह किवें उहनां दे कोले जिहड़े वापस हैगे आ ओह आ सकदे हैगे आ। इहदे ते जिहड़ी असीं वकीलां दी टीम ओह साडी बणी होई हैगी आ, तो ओह असीं कल नूं ओह सारी जानकारी तुहाडे तक जिहड़ी हैगी आ ओह दे दांगे। कल तक उन्हां दीआं जेल दे विच जिन्नियां भी दिक्कतां ने किसी भी तरह की लोड़ हैगी आ वो शाम तक सारिया जिहड़ियां संयुक्त किसान मोर्चा वालों जिन्ने लोग बंद ने वो सारिया हर पक्षों वो कपड़िया दी आ पैसिया दी आ परिवार दे नाल मुलाकात नहीं हो रही गी, वह हर तरह की जिहड़ी दिक्कत हैगी कल शाम तक जिन्ने भी साडे संघर्षशील साथी जेल च बंद आ वह सारिया कल शाम तक जिहड़ियां ने वह सॉल्व हो जाणगीआं। किसी का कोई व्हीकल मिस आ जां कोई साडा वीर भैण तो मिस हैगे ने, तो वह असी लिस्ट भी टैली करांगे कि वाकई मिसिंग वाली जिहड़ी असी 29 दी अज लिस्ट दित्ती आ वी उह 29 आ जां घट हैगी आ, तो जिवें जिवें साडे कोल जानकारी आऊगी उवें उवें असी जिहड़ा हैगा कर रहे हैगे आ। इहदे वास्ते असी सानू कोर्ट भी जिहड़ा मूव करना पिया तां उह कोर्ट 'च भी असी मूव करांगे, और जिहड़ा हैगा उह दिल्ली ते केंद्र सरकार दे नाल भी मामला उठावांगे। इहदा इस तरह है जिहड़े बंदे मिसिंग है ना तुसीं पुछिया सानू मिसिंग दा एज पर लाइक प्रोसीजर है, जे तो उन्होंने मिसिंग है भी कोई परचा दर्ज हो गया फिर तो उन्होंने जोड़ा प्रोड्यूस विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट को करना पैंता है, तो उस तो बाद जेल चले जाते हैं फिर जो बेल का ही प्रोसीजर रहा उस तो बाद।
जेडे बंदे अदरवाइज मिसिंग ने इलीगल कन्फाइनमेंट के विच ने जिन्हां दे खिलाफ अजे कोई परचा दर्ज नहीं होया कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई वो असी जल्दी साढ़े को आ जाण दो जे वो इस तरह ही इलीगल कन्फाइनमेंट च रहिंदे ने साढ़े को डिटेल आ जाए उन्हां दे एड्रैस पेरेंट्स वगैरह तां हैबिस कॉर्पस पटीशन है जिहड़ियां उत्थे हाई कोर्ट च करवावांगे तां कि उन्हां नूं बिना किसी परचा दर्ज तो बिना किसी खतरे तो जानी या होर नूं उन्हां नूं कोर्ट च प्रोड्यूस किया जाए और ये उस पटीशन दे विच रिलीफ हमेशा ही हुंदा है जिहड़े बंदे इलीगल कन्फाइनमेंट दे विच हुंदे ने उहदी वी असीं तैयारी कर रहे हैं पूरी लिस्ट साढ़े कोल आ जाए तां उस तों बाद करांगे ये ऑफेंस जिहड़े दे विच मेरा ख्याल हैगा वह दस दिंदे तुहानूं असीं ऑफेंस पढ़ के पढ़ दिओ जरा देखो 307 तों कोई नहीं बख्शिया उन्होंने और आधा कतल सारिया ते लाई आ जिन्ने लोग आ ये जेल दे विच बंद ने ज़्यादातर दे उपर जिहड़ा हैगा ये बाकी असी लिस्ट उत्ते पा देंगे ये 147, 148, 149, 186, 353, 373, 272, 273, 207, 207 ते 224 आई पी सी सारिया जिहड़ियां हैगियां ने ये सैक्शन जिहड़े ने पी डी पी पी एक्ट एंड सैक्शन 51 जिहड़ा हैगा डी एम एक्ट ये सारे जिहड़े आ ऑलमोस्ट जिन्ने लोग 115 बंद ने वो सारिया दे उपर जिहड़ा हैगा जे कह लिए जिहड़ा क्रिमिनल लॉ दे विच जिन्ने ऑफेंस लग सकते हैं ना जोर ला के उन्होंने ऑफेंस लाए ने 307 नॉन अवेलेबल ऑफेंस है 148, 149 अनलॉफुल असेंबली है 353 किसी सरकारी मुलाजम नूं उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने विच विघन पाना ये 353 हाँ तो यह सारे इस किस्म के ऑफेंस ने कोई ऑबस्ट्रक्शन किसी रस्ते दे विच रोकना एक एक ऑफेंस उन्होंने कोई छड्डिया कोई नहीं है ये ता कि किसी कोई बेल ना होवे होर ना होवे ये भी थानू पता भी जिहड़े 36 किसान आगू इत्थे बैठे ने इन्हां दे खिलाफ भी इन्हां ही ऑफेंस दे अधीन जिहदे विच 120 बीबी है कॉन्सपीरेसी हुंदी है इन्हां दे विच सारे केस दर्ज किए ने तां क्योंकि अज दा रूटीन हो गया है चाहे कोई थोड़ा जिहा भी किते कोई रुकावट पावे तां 307 दा परचा दर्ज करना ही है जिहड़ा अटैम्प्ट टू मर्डर है 302 तो किते घट हुंदा है पर अटैम्प्ट टू मर्डर है इहदे विच बेल बड़ी औखी हुंदी है सरकार हमेशा केस दर्ज करदी हुई ध्यान रखती है भी कितने अजा ना हो कोई बेल पर चले जाए पर फिर भी एजिटेशन का भी साडा तर्क है जिन्हें भी केस एजिटेशन बनते हैं जदों कोई एजिटेशन जीती जाती है समझौता होंगे मोर्चा जितया जाता है तो यह सारे केस वो इन्हों का पतन हो जाता खत्म हो जाते हैं पर फिर भी जेडे पेरेंट्स ये कोशिश करे भी उन्होंने बच्चों की बेल हो जल्दी बाहर आन तो उन्होंने पैरवाई करांगे साड़ी उत्थे लीगल टीम है जिवें दस्सिया इन्होंने उन्हां राहीं उन्हां दी बेल एप्लीकेशन फाइल करावांगे और असीं कोशिश करांगे प्रोसीक्यूशन तो भी वह भी थोड़ा बहुत संपैथेटिक एटीट्यूड है जिहड़ा वह रखे किसानां दे हितां नूं ध्यान च रखते हुए ता कि उन्हां दी बेलां दे विच बहुती रुकावट ना पाई जा सके ये सारी जिहड़ी प्रक्रिया या सारी जिहड़ी कोशिश है अज्ज ये थोड़ा कम क्योंकि कल ही टीम बनी है अज्ज असीं इन्ना कम कीता बाकी कल नूं सारा काम है जिहड़ा वह किया जाऊगा और अगला जिनी इनफॉर्मेशन होर जो चीज़ा सानूं कल नूं मिलणगियां तां समय समय सिर तुहानूं थोड़े ध्यान दे विच लिआंदे रहांगे वह इनफॉर्मेशन सप्लाई करदे रहांगे धन्नवाद इस तरह है जी भी लिस्ट अजे हुण मिली है असीं दिल्ली तो सीधे ही हुण पहुंचे इत्थे लै के लिस्ट ये लिस्ट नूं असीं पढ़ना है इस नूं मिसिंग परसन जिहड़ी 29 दी लिस्ट दित्ती है उहदे नाल भी टैली करना है भी आया वह बंदे भी इहदे विच ने उस तों बाहर ने होर भी कुछ हो सकदे ने तां इह सारी स्टडी करन तों बाद असीं कल नूं ही क्योंकि आउंदे होए इन्ना तां टाइम नहीं हुंदा भी कार च तों स्टडी करदे मन्यूटली इह स्टडी करांगे ते इह जानकारी तुहानूं कल नूं या परसों नूं जद भी असीं मैसेज लावांगे तां मुहैया करांगे उस तां अकॉर्डिंगली ग्रह मंत्रालय तो अच्छ साढ़े नाल ही सी उत्थे देखो इस तरह है भी जिन्ना तो जिहड़ी दिल्ली गौरमेंट है उहदा ग्रह मंत्रालय जिन्ना तो उस दे जुरिडिक्शन दे विच है या उहदी पावर दे विच है उन्ना कि तो वह करनगे जे उन्हां तों बाहर होएगा जिवें साथी इंद्रजीत ने तुहानूं दस्सिया है तो उन्होंने सानूं अश्योर किया है कि असीं एक रिप्रेजेंटेशन वो सारे इशूज जिहड़ा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है उहदे नाल उठावांगे
जड़े रह जाएंगे, ये उन्होंने अश्योर किया सानू, तो वह उठाएंगे असी डिटेल रिप्रेजेंटेशन ये सारे इशूज़ के उपर जो असी दसे इन्हों के उपर दे के आए उन्होंने एंड दे विल टेक इन टू कंसीडरेशन सिंपैथेटिकली दे हैव अश्योर्ड अस। नहीं वो इस तरह है ना, वो एक लिस्ट पहला इंटरनेट तो कढ़ी सी जिस दे विच एक दे विच सन 122 परसन ते एक दे विच सी 163 तो ये बहुत विच ओवरलैप भी कर रही है। वो बड़े बंदे दोए पासे में ना लिखे हुए सी क्योंकि सन ऑथेंटिकता मिली नहीं सी। ऑथेंटिक दा लिस्ट आ जिहड़ी होम मिनिस्ट्री है जिहदे अंडर प्रिजन है उन्होंने अज यह सर्टिफिकेट जारी की है भी 115 बंदे ने विद फुल एड्रैस जो है तो ये ऑथेंटिक है। 115 तो वध अजे जेल दे विच है नहीं, वो बाहर किसी पुलिस स्टेशन दे विच ने इलीगल कन्फाइनमेंट दे विच ने कितने रखे हुए ने। 29 असीं उन्होंने ध्यान च लिया ने अज, जे बाकी होर आएंगे तो उन्होंने ध्यान च लियावे इन्हें पैरवाई करांगे उन्हें बाहर कढ़ावे नहीं तो हैबियस कॉर्पस पटीशन दायर करांगे जो लीगल राह है इसका। Thank you very much.